हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह की शुरुआत हुई है, आज सैटरडे है। 11 बजे से उठे तो हम लोग काफ़ी पहले से थे, बट अभी बस क्योंकि मालिश वाली आंटी पे मैंने बताया ना, आज है डेट सैटरडे, अभी डेट मुझे भी नहीं पता। अभी हम लोग आज जाने वाले हैं लंच के लिए बाहर, तो हमारी जो आंटी आई हैं, हमने उनसे पनीर के पराठे बनवाए। इतने यम्मी पनीर के पराठे बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे, आलू के पराठे और किसी अभी तीरी बनवाए मैंने, यम्मी पनीर पराठा। तो अभी मैं बस खा करके, क्योंकि मुझे भाई बहुत भूख लगती है। घर का पनीर है, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अब मैं फटाफट से कुहू की मालिश करूँगी, नहलाऊंगी, खुद नहाऊंगी, फिर रेडी हो फिर निकलेंगे फटाफट। ये कुहू अभी मस्ती करते हुए, मस्ती मोड में, और आज कुहू को बनाएंगे ये वाली ड्रेस। ये सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस ना, जो मेरे मम्मी पापा ने 5 कपड़े मंगवाए थे उसमें से एक ये है। सब मैं पसंद मैंने ही करे, बट हाँ। और ये हेयर बैंड लगाऊंगी उसको, और ये जो फ्रॉक है इसमें देखिए नीचे से इस तरीके का रोम्पर स्टाइल है, बट यहाँ पर फ्रिल लगी है, तो ये ना चुभती है उसको और कंफर्टेबली वो पहनती भी है। तो, मालिश करेंगे भाई, मालिश 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 मालिश। सेटअप है जहाँ पर वो नहाती है, दिस इज लाइक अ मिनी बाथटब। ओके, उसी का फेस पैक मैं भी लगा लेती हूँ, तो मैंने भी थोड़ा सा लगा लिया है। सो इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं, बिकॉज उसके अंदर पानी को लेके बहुत डर भरा हुआ है। जो भोपाल में जब बारिश होती थी ना, तो वो आंटी फटाफट नहला देती थी ठंड में, तो उसको डर लगता है पानी से, तो वो डर भगाने के लिए अभी हम छोटे बाथटब में उसको, मतलब उसमें पानी में रखते हैं। नाउ शी इन्जॉयज वाटर, तो कल उसको देखते हैं बड़े वाटर में ले करके कि वो पानी से डर रही है कि नहीं डर रही है। ओके गाइस, सो वी बोथ टुक शावर, हम दोनों ने शावर ले लिया है। तो एक मैंने उसको अंदर सैंडो पहना दिया है, कुछ भी ऐसा ड्रेस होता है जो मुझे पता होता है कि चुभ सकता है उसको, तो मैं ऐसे पतला सा इसको कॉटन का सैंडो पहना देती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ उसका खाना तैयार करने के लिए, तो आज को वो खाने वाली है ओट्स पॉरिज। तो कुहू का मिनी नैप हो चुका है और अब बारी आती है कपड़े चेंज करने की और रेडी होने की। ओके, तो मैंने ना पहले निकाला था स्कर्ट पहना, और फिर उसके बाद मेरी हल्की सी ऐसे बेली दिख रही थी, मतलब स्कर्ट पे स्कर्ट हाई वेस्ट था और यहाँ से ऐसा पेट दिख रहा था, तो मैंने उसको वापस हटा दिया। फिर मैंने निकाला डेनिम, तो डेनिम में तो इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने निकाला एक शॉर्ट्स, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो शॉर्ट स्कर्ट थी, अक्यूलोट टाइप का था। देन आई फाइनली वोर दिस सिंपल लूज वाला जो ड्रेस होता है वो पहन लिया मैंने वाला, और चोटी बांध ली, क्योंकि वैसे भी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर कुहू को भी हैंडल करना पड़ेगा ये सब सोच करके। बाल अभी अच्छे से बनाऊंगी, अभी मुझे कुहू को रेडी करना है, उसका खाना पैक करना है, ये सब चीज़ें करनी है, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। लिपस्टिक लगा करके मैं रेडी हो जाती हूँ। तक उसके पापा पूजा करते हैं, वो यहाँ पे बैठ के सब टुकुर टुकुर देखती है। चलिए गाइस, हम लोग रेडी हैं, कुहू पूरी तरह से रेडी है। कुहू का ड्रेस तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना लग रहा है ये बच्चा, कितना सुंदर लग रहा है। इतनी ठंडे में मैं क्या करूं? Yes. ना हमारी सोसाइटी के बच्चे इन जनरल दिखते हैं लड़के लड़कियां, और इससे बात नहीं करते तो ये उनको चिल्लाती है कि मतलब मुझसे बातें करो। ओके गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और इतनी ख़तरनाक गर्मी हो रखी है अभी। तो एक्चुअली इसकी जो सीट है ना वो लगी नहीं है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सीट लगाएंगे, इसलिए ये अभी मेरी गोदी में बैठी है। हालांकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं पास में जा रहे हैं, विक्की गाड़ी काफ़ी स्लो भी चला रहे हैं, तो ऐसा तो अभी निकलते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, लेट्स सी रश वगैरह कैसा होगा। सैटरडे है तो काफ़ी लोग बाहर खाना खाते होंगे,
जब से ये हुई है तब से फर्स्ट टाइम ये हमारा बाहर लंच होने वाला है, तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। बाहर हम लंच करते ही नहीं हैं, घर पे बुला लेते थे, तो अभी ये फर्स्ट टाइम है तो हम लोग अपनी कार्ट लेके जा रहे हैं, क्योंकि होटल में फ़ोन करके पूछा मैंने कि वो लोग हाई चेयर देंगे क्या, तो उन लोगों ने मना कर दिया। तो थैंकफुली हम लोग इसका जो स्ट्रॉलर है वो रख रहे हैं, वो भी चेयर की तरह कन्वर्ट हो जाता है एंड सामने उसकी ट्रे लगी हुई है, तो इट वर्क एज अ हाई नहीं है बट इट वर्क एज अ चेयर एज वेल, अभी भी वो उसी पर बैठ के खाती है। सो यस लेट्स गो, चलिए पहुँचते हैं। हाय एवरीवन, सो अभी मैं बना रही हूँ कुहू का खाना, शाम हो चुकी है, अभी मैं पूरा जो डाइनिंग टेबल है ना इतना ज़्यादा मेस्ड अप हो रहा था तो आई जस्ट क्लीन्ड दिस, देखिए प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लीन किया है। कुहू इज टॉकिंग टू हर दादा दादी, ये भी चेंज किया, आंटी से पापड़ सिखवा दिए हैं सारे, और आज मैं कुहू को खिलाने वाली हूँ रागी। ये है रागी का आटा, तो रागी बना करके खिलाएंगे। सो आई ट्राई टू गिव कुहू एज मच एज वेराइटी फूड, जितना अलग अलग वेराइटी दे सकते हैं उतना अलग अलग वेराइटी देते हैं उसको। ओके, आप लोगों को दो बहुत ही बेस्ट चीज़ बताती हूँ, इफ़ यू हैव किड और इनफैक्ट आप बड़े हैं और आपको लंच भी लेकर के जाना है तो आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना था ना तो मैं फ्रेंडली लंच बॉक्स खरीदे, एक तो सबसे बेस्ट ये लगा मुझे, इतना बढ़िया है, आज मैं इसी में लेकर के गई थी, लेजिट इसमें खाना बिल्कुल गर्म था, और इसने तो ओट्स और एप्पल लेकर के गई थी मैं इसमें, तो वहाँ पर तो हमने ज़्यादा खिलाया नहीं इसको, फिर मैं घर पे जब आ गई थी ना तो उसके बाद हमने एसी में रख दिया था ये, स्टिल आफ्टर 3-4 आवर्स भी खाना इसमें गर्म था, जितना मैं उसमें लेके गई थी उतना ही गर्म था, तो ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटेड लंच बॉक्स है, आप इनफैक्ट इसमें लिक्विड रख सकते हैं, स्पिल प्रूफ है, स्पून के साथ आता है, फोक एंड स्पून दोनों है, और बहुत ही सॉफ्ट है तो बच्चे को लगेगा नहीं, अच्छी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लिंक दे दूंगी इसका, मतलब खाना अगर गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, वैसा इसका सिस्टम है। दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ, ये वाला लंच देखिए इतना अमेजिंग है, ये बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसा है, क्या किया, तो बीच में ब्रेक करती हूँ आप लोगों को, एक कांड कर दिया है दोनों बाप बेटी ने, दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, दीज आर द बाजरा एंड वीट पफ्स, ठीक है, ये देखिए ऐसे मुंह झाड़ू लगाई थी, हाँ खैर ऐसे मुंह में देख रही है जैसे इसको डांट पड़ने वाली, वो फिर गिराई, वो फिर गिराई, वो फिर गिराई, ढक्कन पकड़ी हुई है, ढक्कन खोल कर भी गिरा, देखो जिस साल की हो गई ना तो उसने गिराया, उसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, इसने गिराया, ऐसा नहीं करते। ओके, तो बैक टू द वीडियो को ओपन करिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, कोई जापान की कंपनी है वहां का है, मेड इन जापान, और ये इस तरीके से लॉक हो जाती है, तो अच्छी खासी स्टर्डी स्पून मिली है आपको, बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये भाई, ठीक है, उसके बाद इसको आप ओपन करिए, तो ये छोटा सा है, आप सैलड रख सकते हो, लस्सी रख सकते हो, हम अभी बीच में ना ट्रैवल जब कर रहे थे ना तो हम इसमें लस्सी लेकर के गए थे, क्योंकि कुहू कितना ही खाएगी, और ये देखिए ये थोड़ा बड़ा कंटेनर है, बिल्कुल स्पिल प्रूफ थी, और जितने टेम्परेचर की लस्सी थी ना ठंडी वैसी ही ठंडी गई थी, तो ये भी बहुत अच्छा है, ऐसा म्यूटेड कलर का है, तो ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट इफ यू आर आल्सो ऑफिस गोइंग पर्सन आप अपने लिए भी इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें एक छोटा वर्जन भी आता है, वो आई थिंक 100 रुपये कम का था, तो इसलिए मैंने ये डबल वाला ही ले लिया, मैंने कहा आगे चल के काम ही आना है ये सारी चीज़ें, नहीं तो विक्की ऑफिस लेके जा सकता है लस्सी वगैरह गर्मियों में। ये दोनों चीज़ों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इनकेस क्या होता है ना कि मैं वीडियो जैसे तैसे बना रही हूँ, एडिट करने में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, वीडियो तो बन जाता है बट एडिट करने का वो नहीं मिल पाता है ना, तो अगर मैं एडिट करते टाइम अपलोड करूँगी, अपलोड करते टाइम अगर मेरा मिस आउट हो गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स, तो आप कमेंट करके मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं ऐड कर दूँगी। रागी का हल रागी, ये इस लड़की का इमोशनल मेल्टडाउन है इसके खाने को देख करके, मतलब ये कितना भी पेट भरा रहा है इसका, अगर ये इस कटोरी को देख लेती है तो ये ऐसे करती है, रो रही है, ये रियल नहीं रो रही है, ये देखो ये नाटक है।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं केक परचेस करने के लिए. ये अचानक से बैठे बिठाए मैंने विक्की को बोला स्विगी से ऑर्डर कर देते हैं, वही जो केक मैंने आपको बताया था ना इसके बर्थडे पे लेकर के आई थी, मैं खाती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिनों में. तो देखो इसको, देखो इसको, देखो मस्ता मस्ती खोर. इसको कपड़े पहनना पता नहीं नया इसने सीखा, इसको कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं पसंद आता है. मतलब अगर कपड़े उतार दिए या तो उतारो मत, और उतार दिए तो फिर उसको ऐसे ही घूमने दो, फ्री है तो अभी समर्स हैं तो उसको अच्छा लगता है, शी इज़ एंजॉइंग बिना कपड़ों के रहना एंड ऑल दैट. क्योंकि एसी चलता है ना तब फिर मैं उसको फुल पहना देती हूँ. हम लोग जाते हैं केक लेने के लिए, आपको भी लेके चलते हैं. देखो इसको, इसका एक्साइटमेंट देखिएगा अभी आप लोग जब वो देखेगी हम लोगों की गाड़ी निकल रही है. हम लोगों ने पैक करा दिया है, आ गए हैं हम घर. ये वाला केक है जो मैं लेकर के आती हूँ, है मैंगो चीज केक, बहुत ही ज्यादा यमी है. ये देखिए ये इस तरीके से लगता है. बाप बेटी मस्ती कर रहे हैं. कौन उठ गया बच्चा? गुड मॉर्निंग. राधे राधे. जय श्री राम. जय हनुमान. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज विक्की और हम लोग भी, विक्की भी क्योंकि बहुत उसका पूरा वीक जो है ना इतना ज़्यादा काम में वो बिजी था, बहुत ही ज़्यादा काम में बिजी था, तो उसने भी कल तो भयंकर सोया है और आज भी वो भी अच्छा 9:30 बजे विक्की भी उठा है. एंड आई लेट हिम स्लीप एज वेल बिकॉज उसको भी रेस्ट ज़रूरी है भाई वैसा. और आज एक फ्रेंड जाने वाले हैं विक्की के, ऑफिस के फ्रेंड हैं तो वो लोग आ जाएंगे, हस्बैंड वाइफ. पहले हम जहाँ पुरानी सोसाइटी में रहते थे ना वो वहाँ रहते थे बट हम कभी मिल नहीं पाए, एक आध बारी मिले बट आज वो घर भी आएंगे घर देखने के लिए भी. I bought these two cups, Stanley cups जिनको बोलते हैं, इस तरीके के मैंने tumbler purchase करे हैं. ये 1.2 लीटर 1200 ml के हैं, मतलब एक लीटर के ऊपर के ही हैं, सो बहुत ही अच्छी है क्वालिटी. अब मुझे ये दोनों को देखना था कि मुझे लीक प्रूफ वाला tumbler चाहिए था जो लीक ना होता हो, तो इस वाले tumbler में इशू ये है हाउस ऑफ क्वर्क का, और ये वाला है सोलारा करके एक ब्रांड है उनका. तो ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं बट सबसे हाई रेटिंग इन दोनों की ही थी. तो जो हाउस ऑफ क्वर्क वाला है इसमें से प्रॉब्लम ये आ रही है कि बूंद बूंद करके लीक हो रहा है, ऐसे प्रॉपरली लीक नहीं हो रहा है. और एक यहाँ पर भी ये दिया हुआ है आपको, दो जगह से आप स्ट्रॉ डाल सकते हो और ये वाला भी लीक नहीं हो रहा है. तो मैं ये वाला रखने वाली हूँ इन स्पाइट ऑफ दिस. ये थोड़ा पतला है तो मैं ये रखने का सोच रही थी बट इसका ना ये भी वीक है, ये जो है ना ये हिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा वेट झेल नहीं पाने वाला है, टूट जाएगा ये. तो इसको मैं रिटर्न कर रही हूँ और इसको रख रही हूँ. तो यहाँ पर एसी सर्विसिंग का काम हो रहा है, साथ ही साथ विक्की कुह का बाथटब सेट कर रहा है. तो सारे कपड़े घड़ी कर रही हूँ मैं. मीनवाइल इस रूम में जो एसी का काम था वो हो गया है, बेडशीट चेंज हो गई है, कर्टन्स वॉश हो गए, ये गीले कर्टन्स लगे हुए हैं, ये टंगे टंगे सूख जाएंगे, पिंक वाले कर्टन्स ला करके लगाती हूँ मैं. मैंने एक बास्केट में ऐसे ऊपर रख दी इसके सारे टॉयज वगैरह के लिए, तो ये सारी चीज़ें. ये बॉटल भैया खेलती है वो इस बॉटल से, तो इसके लिए भर देना पानी से. हमारी जो आंटी हैं वो मस्त पनीर के पराठे बना गई हैं तो ये खाएंगे. दूध इधर गर्म हो चुका है, इसमें मैंने सारे टॉयज जो हैं वो डाल दिए इस तरीके से, तो टॉयज हैं उसका मन लगाने के लिए. ओके गाइस, तो हम नहा लिए हैं हमारे बाबूजी के साथ और हम क्यूट से नन लग रहे हैं, क्यूट से छोटू से नन लग रहे हैं, छोटू से नन लग रहे. तो हम लोगों ने कुहू को नारियल पानी देना स्टार्ट किया है, ब्रेकफास्ट में देते हैं, इतना क्वांटिटी में नहीं देंगे, 2-3 स्पून ही देते हैं. ओके गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट, तो गाड़ी मैं चलाने वाली हूँ इसलिए विक्की ने उसको बांध करके बैठ गया है वो. चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में डीमार्ट पहुँचने के बाद.
डीमार्ट में इस बार स्टेनलेस स्टील का अमेजिंग कलेक्शन आया है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही थी और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में। और ये गोल्डन कलर की प्लेट्स का सेट देख के मुझे मन करा था ले लूँ, बट फिर मुझे लगा पूरा सेट तो मेरे को लेना पड़ जाएगा तो अननेसेसरी। और जो बॉक्सेस मैं कुहू के लिए मिस्टर डीआईवाई से लेके आई थी वो डीमार्ट में भी अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली है, अभी घर जा करके आपको दिखाऊंगी। तो आप फटाफट से घर पहुंचते हैं, विक्की के ऑफिस के फ्रेंड्स आने वाले हैं आज मिलने के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग व्लॉग में बताया था, तो चलिए टाइम हो गया है उनके आने का। ओके गाइस, तो अभी जो हमारे आने वाले थे विक्की के फ्रेंड्स वो जस्ट अभी गए हैं। तो एक तो वो ये ज्वेलरी पीस देकर के गए हैं कुहू के लिए, और ये रही कुहू जिसने अभी अपना डिनर फिनिश किया है। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं डीमार्ट से क्या क्या लेकर के आई आपको पहले तो वो बताती हूँ। दो तीन बर्तन लेके आई, तो एक्चुअली ना हमारे पास ये होम सेंटर के जो कि जब गर्म होते हैं ना तो यहाँ से ये फटना स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे हमारे पास टोटल 6 बर्तन हैं जिसमें से हमने दो तो हटा दिए हैं, मतलब तो उनको रिप्लेस करके डीमार्ट में इस तरीके के, आप देखिए इतना हैवी बेस है ये, इतनी थिक क्वालिटी के हैं ये, 499 रुपीज़ में मिले हैं जो कि बहुत अच्छी डील मिली है। तो एक हम लोग ये लेकर के आए हैं, फिर एक ये छोटा सा मैं एकदम छोटी डिब्बी लेकर के आई हूँ, ये कुहू का कुछ भी स्नैक्स वगैरह रखने के लिए। एक ये छोटा सा लंच बॉक्स लेकर के आई हूँ, इस तरीके के ये डीमार्ट में अवेलेबल हैं, ये हम मिस्टर डीआईवाई से लाए थे बट ये डीमार्ट में भी अवेलेबल है। इक्की लेकर के आया है ये ऐसे दो स्टोरेज बॉक्स फ्रिज के लिए लिया है उसने, तो बस ये सामान हम लोग लेकर आए, बाकी तो फिर वही राशन वाशन सारी चीज़ें हैं। चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, एंड करना भूल गई थी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।